स्टडी ऑन मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप कैसे बिना फॉर्मूला यूज किए साधारण ब्याज के क्वेश्चन को मेंटली बना सकते हैं, वो भी सेकेंडों में, इसमें आप लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे इसी वीडियो में। तो पूरे अंत तक वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले वीडियोज में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो उनको भी जरूर देखिएगा। उसमें भी आपको बिना फॉर्मूला के ही बताया जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 4-5 मेथड आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, पी मूलधन, आर दर, टी समय बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला होता है। तो ये तो हुआ फॉर्मूला की बात। हम लोग बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे बना सकते हैं, यहां पे देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है, वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि रहती है, एक निश्चित राशि रहेगी। आर और टी क्या है, आपका बदलता रहेगा, समय और दर क्या होगा, बदलता रहेगा, कभी 2 साल कभी 4 साल, दर भी अलग अलग आपका रहेगा, पर मूलधन जो है क्या है, वो एक निश्चित रहेगी। और साधारण ब्याज का मतलब यह होता है कि आपको प्रत्येक साल एक बराबर ही आपको ब्याज मिलेगा, पर एक निश्चित राशि रहती है। तो यहां पे पी को जो कि कांस्टेंट है, निश्चित राशि है, उसको हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, आरटी बाई 100। ठीक है, आरटी बाई 100 जो है, इसको आप बोल सकते हैं आरटी परसेंट, क्योंकि बाई 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। आरटी परसेंट बोल सकते हैं, आर इंटू टी प्रतिशत। ठीक है, अब किसी भी मूलधन का आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, उस मूलधन का सिर्फ आरटी परसेंट निकाल दीजिए, आपका साधारण ब्याज मिल जाएगा। आइए इस चीज को समझते हैं। यहां पे जैसे आपका आरटी आरटी परसेंट पहले निकाल लीजिएगा किसी भी, जैसे मान लेते हैं किसी मूलधन पर आर 5% की दर हो और समय आपका दिया हो 2 वर्ष। ठीक, समय 2 वर्ष, आर 5% रेट है और टी क्या है, समय। तो ये आरटी परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 × 10%। ठीक है, 5 × 10%, आर और टी का मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज लगा देना है, आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, 10%। अब जो भी मूलधन आपका दिया रहेगा, उसका साधारण ब्याज अगर निकालने के लिए कहे कितना होगा, 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप सीधे उस मूलधन का 10% ज्ञात कर दीजिए। समझे, जैसे आपको दे दे 5000 रुपये, अगर मूलधन है टी 5000 रुपये, दर 5%, टी 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप तो फॉर्मूला लगा के बना ही सकते हैं पीआरटी बटा 100 से, पर हमको क्या हमें वैसे नहीं करना है। अभी जो बताएं कि आरटी परसेंट निकाल दीजिए मूलधन का, आरटी परसेंट, तो यहां पे देख रहे हैं आर और टी क्या है, 5 और 2, तो 5 × 10, 10% हो गया। इस मूलधन का 10% निकाल दीजिए, मेंटली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5000 का 10% क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, 5000 का 10% निकाल दीजिए। ठीक, तो ये क्या होगा, 500 रुपए। ठीक,
तो ये 500 रुपये क्या होगा, आपका साधारण ब्याज होगा, सिंपल। यहां पे भी आप देख रहे हैं पी के जगह पे 5000 रखिएगा, आर के जगह पे 2 और टी के जगह पे 10, तो उतना ही आएगा जो अभी 500 मिला है, ठीक है। यहां पे ये तरीका इसलिए बताया जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ इसमें क्या नया है, इसमें नया ये है कि आपको अगर कहे कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, आप सभी को पता होगा कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में अगर ब्याज ऐड हो जाए, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, ए बोलते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो भी हो, तो यहां पे अमाउंट मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आइए यहां पे बताते हैं क्या करना है। आपको करना है, सपोज यहां पे एक टेबल बना देते हैं आप लोग के लिए, ये आर है, ये टी है, ये आर टी परसेंट है, और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है, मतलब मिश्रधन। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया, टेबल से समझते हैं। आर मान लीजिए कि आपका 4%, टी 2 वर्ष, तो आर टी परसेंट क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन 108%, ठीक है। 100% आपका मूलधन होता है, हमेशा यहां समझना है, प्रतिशत को बताए हैं उसी तरह से समझना है। चलिए अगर यह दिया रहा है आपका 5% दर और समय 3 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा, आरटी परसेंट 15%, तो आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, 115%। तो किसी भी मूलधन का 115% डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। किसी भी मूलधन का आपको 15% निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्याज, अगर दर 5% दिया रहे और समय 3 वर्ष। इसका यूज हम बताते हैं आगे, यहाँ तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 2000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया उस मेथड से कीजिए मेंटली। दर है 8%, समय है 5 वर्ष, यानी कि आरटी परसेंट आपका क्या हो जाएगा, 8×5=40%, आरटी परसेंट हो गया 40%। अब ब्याज निकालना है तो 2000 का 40% सीधे निकाल दीजिए, तो 2000 का 40% आप दिमाग में भी कर सकते हैं मेंटली, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2000 रुपए का 40% निकालिए, वो साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। कितना, 4×2=8, 800 रुपए हो गया, ठीक। ये आपका साधारण ब्याज, सिंपल। इसमें कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, है ना। वही कहता कि मिश्रधन कितना रुपया होगा, तो मिश्रधन क्या करते हैं हम लोग, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ देते, जोड़ते कि नहीं, तो मिल देता मिश्रधन, यानी कि 2000+800 2800 हो जाता क्या, मिश्रधन। पर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए क्या निकालते, 2000 का 140%, क्योंकि मिश्रधन क्या हो जाता, 140% होता, तो 2000 का 140% निकालिएगा तो 2800 रुपए ही मिलेगा। आइए आगे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, 5000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों में मिश्रधन कितना होगा।
तो यहाँ पे विषधर ज्ञात करना है, तो आरटी परसेंट निकालिएगा तो क्या मिलेगा, पांचों का 20%, पर विषधर निकालना हो अमाउंट क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, 100% मूलधन होता है, उसमें ब्याज जोड़ दीजिएगा 20%, तो विषधर क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो आपको विषधर ज्ञात करना है तो डायरेक्टली आप मूलधन 5000 रुपया है, 5000 का क्या कीजिए 120% निकाल दीजिए। 120% का मतलब 120/100, इसको सोल्व कर दीजिए, 12×5=60, यानी कि 6000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, विषधर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आइए देखते हैं, टाइप चेंज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई राशि अपने आप की दुगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो। यहाँ पे समय ज्ञात करना है, इसमें कोई हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एकदम आप सेकेंडों बना सकते हैं बिना पेन उठाए। मैं मेथड जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, आपने प्रतिशत का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। यहां पे क्या है कि दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है कोई राशि, तो पहले समझिए दुगुनी का मतलब, दुगुनी होने का मतलब, दुगुनी होने का मतलब कि 100% क्या होगा, उसमें वृद्धि हो जाएगा। पहले 100% था और 100% वृद्धि हो जाएगा, जैसे यहां समझ लीजिए दो से चार हुआ, यानी क्या हुआ, दुगुनी हुआ कि नहीं, दुगुनी हुआ, दुगुनी हुआ तो वृद्धि कितने का हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, मतलब ये 100% है, 100% और बढ़ गया, तो 100% की वृद्धि, यही कहा जाए तिगुनी, तिगुनी। ठीक है, 2 था और क्या हो जाएगा 6, यानी कि वृद्धि कितने का हुआ, 4 का, 4×2 का क्या है 200% है। तो सिंपल ही आप समझ लीजिए कि दुगुनी का है तो वृद्धि कितना 100%, 100% वृद्धि, तिगुनी का है तो 200% वृद्धि, तिगुनी का मतलब 200% वृद्धि, मतलब मूल राशि में 200% की वृद्धि हो रही। इसी तरह से चौगुनी का है तो 300% की वृद्धि, ठीक, चौगुनी में 300% की वृद्धि हो जाती है मूल राशि। ठीक है, इतना सा बात आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कितने वर्षों में कोई राशि अपने आप की दुगुनी हो जाएगी जबकि साधारण ब्याज की दर 5% हो। तो दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी होने का मतलब वो राशि कितने परसेंट बढ़ गई, 100% क्या हुआ उस राशि में वृद्धि हो गया, दुगुनी हुई तो राशि में वृद्धि कितनी की हुई, 100% की। ये 100% की वृद्धि होने में कितने समय लगेंगे जबकि प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रहा है ब्याज। ठीक है, तो समय निकालना हो कि राशि दुगुनी बढ़ी है यानी 100% बढ़ी है तो, और प्रत्येक प्रत्येक वर्ष आपका 5% बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष लगेंगे इस 100% में, क्या कीजिए 5 से भाग करिए, दर से भाग करिए, यानी कि आपको 100% बढ़ने में कितना वर्ष लगेगा, 20 वर्ष लगेगा। 20 वर्ष में 5% की दर से कोई राशि क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि चौगुनी हो जाएगी। यहां पे दर नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है, समय दिया है कि 10 वर्ष में दुगुनी होती है तो कितने वर्ष में यह 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी होगी। ठीक, तो इसको भी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है,
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्षों में दुगुनी होती है तो कितने वर्षों में यह राशि चौगुनी हो जाएगी। यहाँ पे आपको दर नहीं दिया है लेकिन ये दिया है कि 10 वर्षों में दुगुनी होती है। तो अभी मैंने क्या बताया, दुगुनी का मतलब कितने परसेंट का वृद्धि, 100% का वृद्धि, ठीक। दुगुनी मतलब 100% वृद्धि होगी राशि में। तो यह 100% वृद्धि होने में आपका कितने वर्ष लग रहा है, 10 वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि हो रहा होगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी, 100% में क्या कहिए 10 से भाग दे दीजिए, यानी कि हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। इसलिए 10 वर्ष में आपका 100% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यानी कि दर आपका 10% मिल गया। ये जो 10% दर आया उसी दर से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितने वर्षों में यह चौगुनी हो जाएगी। अब समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष लगेंगे आपको चौगुनी हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया कि चौगुनी का मतलब, चौगुनी का मतलब क्या होगा, कितने परसेंट वृद्धि, 300% की वृद्धि। 300% की वृद्धि होने में कितने वर्ष लगेंगे जबकि प्रति वर्ष आपका 10% बढ़ रहा है। इसलिए अब समय बराबर क्या हो जाएगा, इस 300% में 10 से भाग दीजिए, दर से भाग कर दीजिए, यानी कि 30 वर्ष लगेंगे तब चौगुनी हो जाएगा आपका 10% की दर से। सिंपल, बहुत ही आसान है, आप इसको मेंटली बना सकते थे, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। उसी तरह का क्वेश्चन एक और देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए, सीख जाए। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो अभी मैंने बताया दुगुनी हो जाती है तो वृद्धि कितने की होगी, 100% की वृद्धि हो जाएगी राशि में। मूलधन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि मिलेगी। तो 100% का वृद्धि होने में आपको 8 वर्ष लग रहे हैं, यानी कि प्रति वर्ष, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है आपका प्रति वर्ष समान ही रहता है, उतना ही बढ़ता है, तो 100% बढ़ने में आपको 8 वर्ष लगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100/8 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना आएगा, ये 12.5%, यानी कि प्रति वर्ष 12.5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी दर से पूछा जा रहा है कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी। हुआ कितने परसेंट वृद्धि, 400% की वृद्धि, ठीक है। तो 400% की वृद्धि होने में कितने समय लगेगा, कितना वर्ष लगेगा जबकि प्रति वर्ष आपका 12.5% बढ़ रहा है, तो बस टाइम बता दीजिए, कुल जो वृद्धि हुई है उसमें दर से भाग कर दीजिए, क्योंकि प्रति वर्ष क्या मिलेगा, उतना ही वृद्धि हो रहा है, 12.5% का भाग दे दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा आपका 32, यानी कि 32 वर्ष में यह 5 गुनी हो जाएगी उसी दर से। कोशिश करिए कि आपको अच्छे से समझा पाए और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला यूज किए बना सके। आगे के वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इसी तरह से बिना फॉर्मूला यूज किए एक नहीं 4-5 मेथड से बता दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल नया है तो आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है अभी,